हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स और उनके यूजेस। तो पहला मेरे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का काम होता है हार्ट, इंटेस्टाइन और लंग्स की साउंड को सुनने का इसका काम होता है। ओके, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, ये है मेरे पास स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में देखिए ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम में देखिए यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक होता है स्मॉल डायफ्राम, दूसरा है लार्ज डायफ्राम। तो देखिए स्मॉल डायफ्राम जो है, ये वाला जो डायफ्राम है, इसका यूज जो है पीडिया के केस में करते हैं। पीडिया मतलब बच्चों के केस में इसका यूज करते हैं। जबकि देखिए बड़ा जो डायफ्राम है, लार्ज डायफ्राम में जो है एडल्ट की अगर डायग्नोसिस करना है तो बड़ा डायफ्राम का यूज वहां पर करना है। जैसे कि देखिए हार्ट का चेकअप करना है तो अब बड़े डायफ्राम की तरफ से जो है हार्ट पर ये रखना है। अगर देखिए अगर ये कोई पेशेंट मेरे पास अगर बच्चा है, चाइल्ड है, तो देखिए स्मॉल डायफ्राम की तरफ से हार्ट की पोजीशन पे यहाँ पर इसको स्मॉल डायफ्राम को रख देते हैं। ओके, इंटेस्टाइन पे या लंग्स पे यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है मेरे पास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर चेक करता है टेम्परेचर को। ओके, कि बॉडी में बुखार है या नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि देखिए अगर हम फ़ारेनहाइट में इसका यूज़ करते हैं तो ये हो जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये जो है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर देखिए इससे एक्सीड कर जाता है बॉडी का टेम्परेचर, मतलब कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट से अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये सिचुएशन होती है बुखार की, मतलब के फीवर की ये सिचुएशन होती है, जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इक्विपमेंट है मेरे पास ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का काम होता है कि ब्लड की शुगर लेवल को चेक करना। मतलब कि शुगर लेवल मतलब क्या होती है, मतलब कि ग्लूकोज लेवल को चेक करना। तो ब्लड की जो शुगर होती है वो होती है ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी, वो जो होती है मेरे पास 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ओके, जबकि देखिए प्री डायबिटिक का अगर कोई केस होता है, मतलब कि 101 से 125 तक अगर ग्लूकोज लेवल आ रहा है उसमें, मतलब कि शुगर लेवल आ रहा है, शुगर लेवल की जो यूनिट है मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये आ रहा है तो प्री डायबिटिक का केस है। अभी उसको जो है डायबिटीज नहीं हुई है, डायबिटीज से पहले का ये केस होता है। जबकि देखिए कंफर्मेटरी डायबिटीज जो होगी वो कितने पे होगी, वो होगी लगभग 126 से ज़्यादा पर, मतलब 130 मान लीजिए इसकी जो रेंज है 125, 30, 40, 50 ऐसे आती है, तो इसका मतलब है कि वो पेशेंट जो है डायबिटीज़ का शिकार है। ओके, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ये इसकी नॉर्मल रेंज, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक रेंज होती है। ओके, तो ये है मेरे पास ग्लूकोमीटर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ओटोस्कोप। ओटो का मतलब होता है, देखिए ओटो जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है एयर। एयर मतलब के कान, कान से रिलेटेड ये स्कोप है। ओके, तो ओटोस्कोप मतलब ये चेक करता है कान, कान के इनसाइड। देखिए इसको हम इस मशीन को जो है कान के अंदर डाल देते हैं और जिसकी जो केनाल होती है उसमें जैसे कान का पर्दा चेक करना है, एयर ड्रम हमको चेक करना है, या उसके जो इंटरनल एयर के में कोई भी डिजीज़ अगर हो गई है तो उसको अगर चेक करना है तो ओटोस्कोप से हम इसको चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये है मेरे पास ओटोस्कोप। ओटोस्कोप का काम होता है व्हाई दिस सी इनसाइड द एयर कैनाल। एयर कैनाल के अंदर हम देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर ये होता है मेरे पास, इससे हम जो है देखिए ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट यहाँ पर चेकआउट करते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, देखिए सेचुरेशन लेवल होता है ऑक्सीजन का, तो इसको हम बोल देते हैं SpO2 का चेकिंग करते हैं यहाँ पर और पल्स रेट को चेकआउट करते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए मेरे पास जो ऑक्सीजन लेवल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो लगभग होती है 96 से 99%। ओके, ये ऑक्सीजन लेवल की जो है नॉर्मल रेंज होती है। जबकि देखिए पल्स रेट या हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट 60 से 100 तक है तो ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर देखिए 60 से अगर हार्ट बीट जो है कम हो जाती है तो ब्रेडीकार्डिया का केस होता है, और अगर हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हो जाती है तो टेकीकार्डिया का केस यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अब देखिए बात करेंगे हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का काम होता है ब्लड प्रेशर को चेकआउट करने का। ओके, तो इससे होता है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर देखिए ब्लड प्रेशर जो है 120/80 अगर रहता है तो ये नॉर्मल रेंज होती है। अब देखिए ये होता है कि भाई जब हार्ट देखिए सिस्टोल करता है, ओके, मतलब कि कंट्रैक्ट करता है, हार्ट जब पिचकता है तो उसका जो है ये सिस्टोल रेट देता है, और जब वो जो फूलता है हार्ट मतलब डाइलेट होता है तो वो होता है उसका डायस्टोलिक
प्रेशर। ओके, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दो प्रेशर होते हैं इसमें। तो ऊपर का जिसको बोल देते हैं वो होता है नॉर्मल 120 और नीचे का जो है प्रेशर जो होता है वो होता है 80। अगर देखिए 120 से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो मरीज जो है हाइपरटेंशन का शिकार होता है, या 80 से ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन का वो पेशेंट शिकार हो जाता है। अगर देखिए यही ब्लड प्रेशर जो है 120 से कम और 80 से कम होता है तो वो हाइपोटेंशन का शिकार हो जाता है, मतलब कि उसका जो बीपी होता है वो लो होता है। ओके, तो स्पिग्मो मैनोमीटर से हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम नेबुलाइजर मशीन। नेबुलाइजर मशीन देखिए ये होती है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर हम मेडिसिन फिल कर देते हैं जो भी हमें मेडिसिन देनी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये मेडिसिन कप हो गया, ये माउथ पीस हो गया इसका, और ये मास्क हो जाता है। तो ये इसके पार्ट हमने डिस्कस किए। अब देखिए काम क्या होता है इसका नेबुलाइजर मशीन का। तो नेबुलाइजर मशीन जो है देखिए खांसी में इसका यूज़ होता है। तो नेबुलाइजर मे बी यूज टू रिलीव खांसी कफ एंड अदर सिम्टम्स कॉज बाई रेस्पिरेटरी इलनेस। अगर रेस्पिरेटरी टाइप के कोई अगर सिम्टम्स हमको नजर आ रहे हैं तो उनमें इसका यूज़ होता है। ओके, अच्छा, इसका बेसिक जो फंडा है वो ये है कि भाई जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है लंग्स के इनसाइड और डीप में चली जाए, ये इसका फंडा होता है बस। तो ड्यू टू दिस मेडिसिन रीच इनसाइड द लंग्स इन ईजीली मैनर। तो ईजी मैनर में जो है अंदर वो जो है मेडिसिन लंग्स में चली जाए, ये फंडा इसका होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम इनक्यूबेटर। तो इनक्यूबेटर देखिए जो न्योनेटल जो बच्चा होता है जिस, तो उसको हम मशीन में रख देते हैं तो उस मशीन कहलाती है इनक्यूबेटर मशीन। तो इससे क्या होता है देखिए यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट इसको जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, वेल एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिस जहाँ पर देखिए जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल टेम्परेचर होता है और परफेक्ट अमाउंट में वहाँ पर ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी होती है वहाँ पर, लाइट सोर्स भी अच्छा होता है। ओके, तो ये होता है इनक्यूबेटर। ओके, तो इसका यूज़ होता है देखिए इन्फेंट्स में। तो इन्फेंट्स यहाँ पर देखिए ये इन्फेंट्स है, अभी न्यूनेटल बच्चा है, यहां पर इसको इनक्यूबेटर में रख दिया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम मेमोग्राम मशीन। मेमो मतलब होता है देखिए मेमोरी ग्लैंड मतलब के ब्रेस्ट। तो देखिए अगर ब्रेस्ट का कोई कैंसर होता है तो मेमोग्राम मशीन से उसको चेकआउट कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ईसीजी मशीन। तो ईसीजी मशीन का काम होता है कार्डियक एक्टिविटी को जानना। तो यहाँ पर देखिए इस मशीन के अकॉर्डिंग जो है जो हार्ट की जो कार्डियक की या हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको हम जान लेते हैं कि भाई यहाँ पर टेकीकार्डिया केस तो नहीं है, ब्रेडीकार्डिया का केस तो नहीं है, मतलब कि हार्ट बीट ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही है। ओके, या हार्ट बीट इसकी जो है नॉर्मल है उसको यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं इस मशीन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम इकोकार्डियोग्राम मशीन। इकोकार्डियोग्राम मशीन का जो है काम होता है इसमें भी देखिए हार्ट की एक्टिविटी को चेक किया जाता है, लेकिन ये जो है और ईसीजी से भी एडवांस जो है मशीन होती है। इसमें हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको जो है 2D 3D और डॉपलर अल्ट्रासाउंड के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्डियक मॉनिटर। देखिए ये होता है कार्डियक मॉनिटर, इसमें जो है पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं, वाइटल्स जैसे कि SpO2 क्या है, मतलब हार्ट बीट क्या है उसकी और ब्लड प्रेशर उसका क्या है। ओके, तो ये कार्डियक मॉनिटर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम डिफाइब्रिलेटर मशीन क्या है। देखिए ये एक शॉकिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिससे देखिए हार्ट को जो है शॉक दिया जाता है, जिसमें देखिए एरिथमिया के केस को यहाँ पर सुलझाया जाता है। एरिथमिया मतलब होता है कि भाई जो हार्ट की जो बीट है वो इरेगुलरली जो है बीट कर रही है, तो एरिथमिया के केस को इसको इसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑटोक्लेव मशीन ये होती है। ओके, अब इसमें देखिए क्या करते हैं हम, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यहाँ पर रख देते हैं। उससे क्या होता है देखिए उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे अगर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है या स्पोर्ट्स है तो उनको किल कर दिया जाता है। तो यूज स्टीम का यहाँ पर देखिए यूज़ करते हैं, तो स्टीम में जो है लेटेंट हीट छुपी रहती है, तो स्टीम का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो भाप होती है वो इसको मार देती है, क्योंकि लेटेंट हीट और हीट उसके अंदर होती है तो वो जो है किल कर देती है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और स्पोर्ट्स को। ओके, तो ये फंडा होता है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे हम एमआरआई मशीन से। देखिए जो है एग्जामिन करते हैं हम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की पैथोलॉजी को, तो ये होती है एमआरआई मशीन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सरे मशीन। तो एक्सरे मशीन से देखिए क्या चेकआउट करते हैं हम बोन्स के बारे में, कि अगर कोई बोन्स में फ्रैक्चर है या जो है इसमें सॉफ्ट टिश्यू को भी यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं इस मशीन के द्वारा। तो एक्सरे मशीन टू टेक इमेज ऑफ द टिश्यू की इमेज लेने में या ऑर्गन की इमेज लेने में, बोन हो गया, टीथ हो गया, इसकी इमेज लेने में इसका यूज़ करते हैं। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे हम अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन देखिए इसमें यूज होती है हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव, तो इससे क्या होता है इमेज पता चलती है इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि जो हो गया मेरे पास किडनी हुआ, गॉल ब्लेडर हुआ और इंटेस्टाइन हुआ एंड प्रेगनेंसी हुआ, यूट्रस हुआ एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, इसके बारे में हम चेकआउट करते हैं इससे। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम डायलिसिस मशीन के बारे में। तो देखिए ये डायलिसिस मशीन होती है। अब इसमें देखिए डायलिसिस मशीन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, ब्लड को जो है फिल्टर किया जाता है। तो फिल्टर पेशेंट ब्लड टू रिमूव, जिसमें उसमें जो देखिए जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जब वेस्ट मटेरियल और प्रोडक्ट होते हैं उसको दूर करने में इसका यूज हम करते हैं। अच्छा इसका यूज क्यों करते हैं, जब देखिए अमूमन जो है मेरे पास किडनी जो है फेल हो जाती है तो डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम वेंटिलेटर मशीन। वेंटिलेटर का काम होता है देखिए वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, मतलब कि उसको जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना किसी पेशेंट को। ओके तो अब यहाँ पर देखिए स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, अगर देखिए ब्रीदिंग लेने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में किसी पेशेंट को अगर दिक्कत हो रही है तो वेंटिलेशन मशीन पर उसको रखते हैं। वेंटिलेटर मशीन जो है खुद ब खुद उसको जो है ब्रीथिंग प्रोवाइड करती है, तो असिस्ट स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग टू पेशेंट। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम सक्शन मशीन। सक्शन मशीन का काम होता है देखिए ब्लड को सक करना, ब्लड को खींचना। ओके जैसे सर्जरी अगर किसी पेशेंट की हो रही होती है तो जो ब्लड जो है वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे अगर स्टमक की सर्जरी है तो स्टमक कैविटी में जो है ब्लड वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो सक्शन मशीन से उस ब्लड को यहाँ खींच लिया जाता है। तो सक अप ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड सीक्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम एम्बुपैग। एम्बुबैग का काम क्या होता है, एम्बुबैग का काम होता है देखिए आर्टिफिशियली जो है किसी पेशेंट को वेंटिलेशन करना, मतलब आर्टिफिशियली जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये काम होता है किसका, एम्बुबैग का। ओके अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पायरोमीटर। तो ये देखिए लंग की टेस्टिंग में इसका यूज़ होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ एयर का हम जो है अंदर ले सकते हैं, मतलब इनहेल्स कर सकते हैं, और कितना अमाउंट ऑफ एयर का हम बाहर कर सकते हैं, मतलब कि एक्सहेल कर सकते हैं। ओके